हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल एंड टुडे वी डिस्कस सैम्पलिंग डिज़ाइन, या फिर सैम्पल को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किस टाइप की सैम्पलिंग होती है। मैंने एक प्रोसेस का टॉपिक छोड़ा हुआ है, वो टॉपिक इसलिए ताकि जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल एक पॉपुलेशन का पार्ट होता है। सबसे पहले हम जानते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन होता है जिसमें हमें रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट होती है पॉपुलेशन, और यूनिवर्स वही इनफाइनाइट होता है, और बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट होल पॉपुलेशन को जब हम लेके चलते हैं तो वो हमारा यूनिवर्स बन जाता है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक पार्ट होता है यूनिवर्स का, और पॉपुलेशन का पार्ट होता है सैंपल, मतलब हम अपनी पॉपुलेशन में से क्या सैंपल उठाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन एलिमेंट, मतलब इंडिविजुअल पर्सन। पॉपुलेशन का इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एलिमेंट। लाइक मुझे मेरा पॉपुलेशन है 1000, मेरा सैंपल साइज है 100, और जो वन है, वन पर्सन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एलिमेंट। सेंसस मतलब कि होल पॉपुलेशन, मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जैसे हम कहते नहीं है काउंटिंग कर रहे होते हैं, वो हमारा सेंसस होता है, मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक चलता है ये। हमें हर एक बंदे को गिनना होता है कितने बंदे, तो वो हमारा सेंसस होता है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं सैम्पलिंग की क्या है। सैम्पलिंग जब हम प्रोसेस सैम्पल को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। प्रोसेस सिलेक्ट करने की सैम्पल सिलेक्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। अब हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने के लिए। एक तो हम होल पॉपुलेशन मतलब 1000 के 1000 पर्सन पे अपनी रिसर्च कंडक्ट करें, और वही हम सिर्फ 100 बंदों पे करें, तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। सेकंड, टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि एक तो 1000 पर्सन से हम क्वेश्चन ईयर फिल करवा रहे हैं, और सेकेंडली हम सिर्फ 100 बंदों से क्वेश्चन ईयर फिल करवा रहे हैं। पैसे भी कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा। लेस एफर्ट्स, लेस एफर्ट्स मतलब कि जो हमारा फिजिकल एफर्ट्स है, मतलब उनके पास जाकर हमें क्वेश्चन ईयर फिल करवाना, उनको डिटेल्ड में सब कुछ बताना, तो हमारे एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज इजी टू स्ट्रक्चर टेस्ट यूनिट। टेस्ट यूनिट जो मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में भी डिस्कस किया था टेस्ट यूनिट के बारे में, तो वो क्या है? उस टेस्ट यूनिट का हमारा एक मतलब टेस्ट जिस पे हम कंडक्ट करना है, टेस्ट यूनिट वही हुई जिस सॉरी टेस्ट यूनिट वही जिस पे हमें टेस्ट करना है, उसको हम इजीली स्ट्रक्चर कर पाएंगे कि इतने बंदों पे, मतलब 100 बंदों पे मुझे ये टेस्ट कंडक्ट करना है, उनके रिस्पॉन्स को चेक करना है कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। नाउ वी कम टू द स्टेज। स्टेज कह लो, स्टेप कह लो, सैम्पल डिज़ाइन में कैसे कैसे सैम्पलिंग कलेक्ट की होती है, ये सारा हम इसके स्टेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइनिंग टारगेट मार्केट, मतलब हमें स्पेसिफाई करना कि हमारा टारगेट कौन है, किसके ऊपर हमें टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट मार्केट कर लो, टारगेट पॉपुलेशन कर लो, कि किस पे हमें रिसर्च करना है, किन पर्सन से हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना है, दैट इज टारगेट पॉपुलेशन। नाउ ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन होगा ना कि मार्केट, वो गलती से, लेकिन यही है कि किसके ऊपर हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है, वो हमारा स्पेसिफिक ग्रुप जिसके ऊपर मुझे रिसर्च कंडक्ट करनी है। लाइक इजी टू ईट फूड है, वो कौन पर्सन यंगस्टर प्रेफर करते हैं ना कि ओल्ड एज, तो मेरा टारगेट पॉपुलेशन हो गया यंगस्टर, या फिर वुमेन्स मेरा टारगेट पॉपुलेशन हो गया। सिलेक्ट द सैम्पलिंग फ्रेम, मतलब कि एक लिस्ट प्रिपेयर करना एलिमेंट्स की, कि कौन कौन से कौन कौन मतलब पार्ट ले सकता है, एक लिस्ट बना लेना उसकी, एलिमेंट जो जो है उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना, लाइक डिक्शनरी में होता है ABCD करके हम जो लिस्टिंग देखते हैं, तो वो एक तरीके से लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, तो हम वही सैम्पलिंग फ्रेम करेंगे जिससे हमें सैम्पल निकालना है, उसकी हमें लिस्ट बना ली कि ये बंदे हमारे सैम्पलिंग का पार्ट बनेंगे। डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका मैं आगे कंप्लीट टॉपिक बताऊंगी, ये टेक्निक्स है, मतलब जब हमने सैम्पलिंग देख लिया कि ये बंदे हमारे सैम्पलिंग का पार्ट बनेंगे, उसके बाद डिटरमाइन करना कि सैम्पलिंग जो होगी वो प्रोबेबिलिटी बेस होगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। मतलब कि मैंने देखा हरियाणा के एक छोटा सा गाँव, लाइक चरखी दादरी से मुझे अपना डेटा कलेक्ट करना है, तो चरखी दादरी क्या हो गया, सैम्पलिंग फ्लेम कर दिया मैंने वो, या फिर उसमें भी स्पेसिफिक कर दिया कि गांधीनगर का पार्ट लेना है मुझे, तो वो सैम्पलिंग फ्रेम हो गया, उसमें से भी स्पेसिफिक कर दिया।
नाउ फिर हम मैंने देखा प्रोबेबिलिटी बेस पे लूंगी, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस पे मुझे लेना है हरियाणा के चरखी दादरी ये से, तो उसमें कौन से बेसिस पे मैं डेटा को उठाऊंगी, प्रोबेबिलिटी बेस पे या नॉन प्रोबेबिलिटी बेस पे। देन प्लान टू सिलेक्ट सैम्पल यूनिट, सैम्पल यूनिट सिलेक्ट करना, मतलब कि एलिमेंट जो हम चूज करेंगे वो हमारा जो भी एलिमेंट होगा, एनी सिंगल एलिमेंट वो हमारा सैम्पल यूनिट होगा, मतलब कि कौन पर्सन है एक तरीके से ये लगा लो। फ्लाइट में हमें ट्रैवल करना है, एग्जांपल देती हूँ, फ्लाइट में हमें ट्रैवल करना है तो ये क्या हमारी सैम्पल यूनिट है। फ्लाइट में जो बंदे ट्रैवल करते हैं तो पैसेंजर क्या हो गए, पैसेंजर हमें एक रिसर्च कंडक्ट करने है कि फ्लाइट में कितने बंदे ट्रैवल करते हैं और उनका स्टेटस क्या है, तो इसमें हम रिसर्च का ये जो सैम्पल यूनिट क्या होगी हमारी, वो सैम्पल यूनिट होगी हमारे पैसेंजर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज साइज, सैम्पल साइज कितना रखना है, लाइक 100 200, कितने पॉपुलेशन में से कितने बंदे हम लेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, एक्चुअल में कितने हैं, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होता है, और फिर हम काम करने जाएंगे फ्लीट वर्क, मतलब कि हमने इंडिगो के लिए हैं, इंडिगो के जाते ही 20 बंदे हैं इंडिगो के फ्लाइट में, चाहे हम सैंपल फ्रेम में या फिर सैंपल यूनिट में ले ले 40 बंदे, लेकिन एक्चुअल सैंपल यूनिट तो हमारा 20 ही हुआ ना, मतलब उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के रिगार्डिंग हम लेते हैं तो सैंपल यूनिट हो गया हमारा 20। फिर हम उनसे क्वेश्चन ईयर फिल करवाएंगे या जिस भी अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सैंपल टेक्निक, सैम्पलिंग किस की टेक्निक, जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी ये दो बताए थे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब ये एक सैम्पल यूनिट है जिसमें हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। लाइक 100 बंदे यहाँ पे बैठे हैं तो मैं कहती हूँ रोल नंबर 2 आ जाए, फिर मैं कहती हूँ 15 आ जाए, मतलब क्लास की बात कर रही हूँ मैं, तो 2 आ जाए, 15 आ जाए, 19 आ जाए, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ डेटा को, यही होता है सिंपल रैंडम सिलेक्ट सैम्पलिंग, मतलब सिंपली हमने रैंडमली कोई भी नंबर बोला और उसको सिलेक्ट कर लिया। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमें सबको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता, हर एक बंदे को इक्वल चांस नहीं मिलता सिलेक्ट होने का, इसमें बाइसनेस होती है नॉन प्रोबेबिलिटी में, जबकि प्रोबेबिलिटी में ऐसी बाइसनेस नहीं होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मैंने बता दिया था, किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेना सिंपली। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लाइक सबसे पहले फर्स्ट वर्ड जो है मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया लाइक 4, इसके बाद मैं कहती हूँ इसके बाद नेक्स्ट 10 के बाद 14, 14 के बाद 24, तो ये प्रोबेबली भी है नॉन प्रोबेबिलिटी भी है। प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो है 4 है, 5 है, 3 है, वो मैं चुन रही हूँ रैंडमली, और उसके बाद के जो वर्ड्स चुन रही हूँ वो नॉन प्रोबेबिलिटी का हिस्सा हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिकली बना रही हूँ, सीक्वेंस बना रही हूँ। इनिशियल वाले बंदा स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा हमारा रैंडमली, और सेकंड जो आएगा वो ईच नंबर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कस्टर्ड सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग में क्या है, हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, हमने किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको, उस पूरी यूनिट के, उस पूरे ग्रुप के ऊपर हम अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी तरीके से हमारा होता है स्टेरिफाइड, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम पूरे ग्रुप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक एज ग्रुप के बेस पे कर दिया या किसी भी बेस पे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं, देन हम उनमें से 2 बंदे उठा लिए, 3 बंदे उठा लिए, वो भी प्रोबेबिलिटी है, हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, बस हमें उस पूरे ग्रुप को डिवाइड कर दिया ताकि हम इजीली सैम्पलिंग उठा सकें। एक होता है हमारा एरिया सैम्पलिंग, एक पर्टिकुलर एरिया में से, मैप में से हमने कोई भी एक एरिया सिलेक्ट किया, उस एरिया में से फिर हमने रिसर्च के लिए बंदे को ऑटोमेटिकली उठा लिया। नाउ कम टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने बताया था ये टेक्निक है जिसमें हम बाइसनेस, बाइस होता है, बाइस के बेस में हम अपने डेटा को इकट्ठा करते हैं। इसमें सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब कि हमारे पास जिस बंदे को हम जानते हैं, जिस बंदे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उससे हम अपना क्वेश्चन ईयर फिल करवा रहे हैं, उससे हम उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हो गया कन्वीनियंस, हमारे पास में ही था। जजमेंटल सैम्पलिंग मतलब कि जजमेंट के बेस पे
हमने एक बंदे को सिलेक्ट किया, फिर हमने उस बंदे को पूछा कि अब हमें नेक्स्ट बंदा कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, इस अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन किया। नेक्स्ट आता है स्नोबॉल। स्नोबॉल में क्या किया, हमने पहला बंदा जो सिलेक्ट किया वो तो हमारा था प्रोबेबिलिटी मेथड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी के बाद हमने एडिशनल जो भी बंदे उठाए वो हमारा था इंफॉर्मेशन के बेस पे। नाउ हेयर आई कंप्लीटेड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।